हेलो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं लौकी का कोफ्ता और ये है हमारी वर्ड्स, इन्हें खिलाएंगे आज हम कोफ्ती। सो गाइस, सबसे पहले हमें लौकी के खपड़े उतार देने हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम इसे क्रश लेंगे, ठीक है, क्रश कर लेंगे, क्रश लौकी का क्रश बना देंगे। तैयार, आपको पता है मुझे लौकी आपको खिले नहीं आती, पर आज मैं आपको लौकी का कोफ्ता बना के दिखाऊंगी कि लौकी का कोफ्ता कैसे बना दी। ऐसे करके इसके सारे अपने उतार देने हैं और पीछे से कट कर देना है और आगे से भी, ओके। इसके आगे का प्रोसेस थोड़ी देर में बताती हूँ। देख सकते हैं ये क्रश हो गया है। अब इसे ना हमें क्या करना है, निचोड़ना है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा पानी होता है, तो जो भी रस निकलेगा उसे पी जाना। और फिर इसमें हम डालेंगे बेसन एंड प्याज एंड मिर्च कट करके, ओके। मैंने इसे निचोड़ लिया है और आप देख सकते हैं इसे एक कप जूस भी निकल गया। अब मैं इन्हें कट करूँगी। क्रश की हुई लौकी को निचोड़ देंगे और हम एक प्याज कट करेंगे और दो या तीन हरी मिर्च कट कर देंगे। ये हमने प्याज और मिर्च कट कर लिया है, ये बेसन। अब हम ये बेसन इसमें मिक्स कर देंगे, ओके। उसके बाद हम इसमें प्याज भी डाल देंगे, प्याज भी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, थोड़ी सी जैक में हाफ स्पून नमक, ये सब डाल के हम इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। आप हाथों से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए अभी हमने गैस ऑफ कर दी है। अब हम देखते हैं चेक करके कि थोड़ा ठंडा हुआ या नहीं, ओके। इसे डालिए, मैंने फर्स्ट बनाया था ऐसा। तो गाइस देखते हैं ऐसे कोफ्ते बनाने हैं आपको, ठीक है। मैंने बनाया है ऐसा, बनाने की मत सोचना। अच्छे से इसे ना बहुत धीमी फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि एक साथ ना जल जाएगा और अंदर से पकेगा भी नहीं। प्याज टमाटर मिर्च कट गया है, अब हम इन दोनों को अलग ग्राइंड करेंगे और इन दोनों को अलग, ठीक है। सामने ये लहसुन प्याज और टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है। ये है ज़ीरा और चुटकी भर हींग और ये है एक तेज पत्ता। यह हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, जिस ऑयल में हमने पकोड़े सेके थे उसी में हम ये सब डाल देंगे, ठीक है। इतना काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, मसाला बन गया, इतना मैंने काली मसाला डाल दिया। यहाँ पर मसाला पक रहा है, अब हम इसे डालेंगे टमाटर के लिए भी। मसाला पक चुका है, इसमें डाल देंगे पानी, उसके बाद उसमें डालेंगे पकौड़े, ठीक है, क्योंकि ये पानी को ना पी जाते से पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो गाइस ये इसमें डाला है मैंने 3 ग्लास पानी, क्योंकि थोड़ी देर में पता है सूखी सूखी हो जाएगी, क्योंकि ये पानी को पी लेते हैं, ठीक है। इससे पानी ना आपको ओवर ही डालना है, 3 से 4 ग्लास।
खोल रखे हैं, अब हम इसमें डाल देंगे धनिया। हमारी सब्जी पक चुकी है तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। उस बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि आयरन की कढ़ाई से ना खाना सबसे नहीं है, निकाल लिया जाता है। ठीक है,